शुक्रवार को शहर के सज्जनगढ़ रोड स्थित जस्टा होटल में सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए जुटे वाल्मीकि समाज के दो जने सेफ्टी टैंक में उतरे। इस दौरान जहरीली गैस से खांजीपीर निवासी महेंद्र छापरवाल और किशनपोल बीड़ा निवासी विजय कल्याणा की मौत हो गई। मामले में दूसरे दिन शनिवार को भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। वाल्मीकि समाज कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने मांग रखते हुए कहा कि मृतकों के परिजनों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने के साथ ही होटल संचालक से मुआवजा भी दिलवाया जाए। वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि, पूर्व पार्षद एवं यूनियन के पदाधिकारियों के साथ समाज के लोग व सफाई कर्मी कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया। कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करते हुए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। बाद में एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर के साथ एक बैठक भी हुई, जिसमें सभी प्रतिनिधि शामिल हुए, तो भाजपा से डिप्टी मेयर पारस सिंह भी व कांग्रेस नेता विवेक कटारा भी आए। सभी के बीच चर्चा हुई, लेकिन रास्ता कुछ नहीं निकला। वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि सरकारी मुआवजा तो जो कोच के नियमों के अनुसार तय है वो मिल ही जाएगा, लेकिन होटल संचालक से भी मुआवजा दिलाया जाए और दोनों मृतकों के परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। बाद में बात नहीं बनी तो दोपहर में सभी वापस बाहर आ गए और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन वापस शुरू कर दिया।